हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम बात करेंगे कि एक सेटअप लेंगे। जो सेटअप जरूरत है इंट्राडे ट्रेडर के लिए जरूरत है, ये सेटअप है वोलिंजर बैंड के साथ। आप व्यू अप लगाएंगे तो उसके साथ आपको कौन सा इंडिकेटर को फॉलो करना चाहिए। थ्री इंडिकेटर ऐसा हमें मिलना चाहिए जिसको हम फॉलो करने से क्या होता है ना, मार्केट में ओवरबॉट, ओवरसोल्ड और डे बेसिस और इंट्राडे बेसिस या स्विंग ट्रेडिंग, या जब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक में उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो पहला बात है कि बोलिंजर बैंड को आप कैसे स्टडी करेंगे। बोलिंजर बैंड में स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन होता है। तो इसमें क्या होता है ना, जनरल आपको देखा गया है इसका जो फॉर्मूला है, मिडिल लाइन जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज को लिया गया है। तो 20 पीरियड मूविंग क्या है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कैलकुलेशन होता है, इसके डिटेल्स एक हायर पॉइंट एंड एक लोअर पॉइंट का डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आपको प्राइस आपको निकल कर आता है। तो इसमें क्या होता है ना, 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन होता है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो लेयर होता है तो आपको टॉप एंड बॉटम आपको मिल जाता है। लेकिन आपको देखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट टाइम फ्रेम के साथ आप फॉलो करेंगे या 15 मिनट टाइम फ्रेम के साथ फॉलो करेंगे या डे बेसिस में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो मूविंग एवरेज आप फॉलो कर रहे हैं तो आप किस लेवल पर है और आपका लेवल क्या होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स पता लग जाता है। तो बोलिंजर बैंड में क्या होता है ना, एक हायर पॉइंट, एक लोअर पॉइंट, एक बॉटम एंड एक टॉप लेवल आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको इजी हो जाता है, क्योंकि जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज का एक स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन होता है वो आपको पता लग जाता है। लेकिन आप जब व्यू अप लाइन को लेकर जो बोलिंजर बैंड के साथ आप मिलाकर देखेंगे उस टाइम पर आपको एक छोटा टाइम फ्रेम के साथ आपको देखना पड़ेगा। यानी आप पहले आपको लेवल फाइंड आउट करने के बाद जब आपका लेवल सेटअप हो जाता है, जैसे लेवल फाइंड आउट करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कैसे आप लेवल फाइंड आउट करेंगे मूविंग एवरेज को लेकर, कैसे आप वो पूरे डिटेल्स लेवल फाइंड आउट करेंगे। लेवल फाइंड आउट करने के बाद आपको देखना चाहिए कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के साथ आप जब भी इसको सिलेक्शन करेंगे तो क्या होगा ना, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यानी आपका जो 5 मिनट का जो लेयर होगा वो लेयर क्या होगा आपको पता लग जाएगा। जैसे आज 10 जनवरी का मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूं तो इसमें क्या है, देखिए ये जो आपका मिडिल पॉइंट है जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज का है, इसके नीचे में आपको मेंटेन हुआ। तो सुबह सुबह इसके नीचे में जब आपका मेंटेन हुआ तो आपको कंफर्मेशन हो गया कि आज के लिए ये नेगेटिव है। तो इसके साथ व्यू अप लगा देंगे तो व्यू अप में आप देख सकते हैं कैसे आपको व्यू अप नीचे आपको मेंटेन हुआ, कंटिन्यूअसली आपको ये मेंटेन हुआ। तो आपको पता लग गया कि फर्स्ट थिंग है कि ये नेगेटिव है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है तो नेगेटिव है। नंबर टू क्या है ना, व्यू अप लाइन के नीचे है तो सेकेंड नेगेटिव है। तो इसको ट्रेड करने का, नेगेटिव को ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ना, शॉर्ट करना चाहिए। जो शॉर्ट बिल्डअप करना चाहिए तो आपको कहां पर शॉर्ट बिल्डअप करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो शॉर्ट बिल्डअप करने के लिए तो आपको स्टोकास्टिक आरएसआई विथ मनी फ्लो को आप मेंटेन करेंगे। तो मनी फ्लो जब तक आपका 50 के नीचे मेंटेन हो रहा है और स्टोकास्टिक आरएसआई आपको हायर पॉइंट पर है यानी 8200 लेवल पर है, तो उस लेवल पर आपको क्या करना चाहिए ना, शॉर्ट करना चाहिए। इस लेवल पर शॉर्ट किया तो आपको ये प्रॉफिट आपको मिलेगा। स्टोकास्टिक आरएसआई इस लेवल पर आएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। कभी भी आप ऊपर जाता है बाउंस तो आप स्टोकास्टिक आरएसआई को देखना और इस लेवल पर आपको क्या करना चाहिए ना, शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि मनी फ्लो 50 के नीचे मेंटेन हो रहा है। तो इसके ऊपर आपको कभी भी बाउंस आता है तब आपको क्या करना चाहिए ना, शॉर्ट करना चाहिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बोलिंजर बैंड के साथ आप स्टोकास्टिक आरएसआई और आप व्यू अप लगाकर देखेंगे तो आपको क्या होगा ना, कंफर्मेशन मिलता है कि ट्रेंड के साइज से आपको कंफर्मेशन मिलता है। जब भी आप देखिए 20 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, जब तक आपको व्यू अप लाइन के ऊपर मेंटेन नहीं किया है तब तक आपको सावधानी से काम करना चाहिए।
फर्स्ट इज आपको लेवल फाइंड आउट करना चाहिए, किस लेवल तक मार्केट आ सकता है, किस लेवल तक मार्केट जा सकता है, एक के डे बेसिस का रेंज क्या हो सकता है, ये सारे के सारे मूविंग एवरेज से पता लगता है। मूविंग एवरेज कंफर्मेशन मिलने के बाद आप बोलिंजर बैंड आप डाल सकते हैं और इसमें आप व्यू अप लाइन और स्टोकेस्टिक RSI विथ मनी फ्लो आप डालेंगे तो आपको कंफर्मेशन मिलता है 50 के नीचे मनी फ्लो मेंटेन होना चाहिए और स्टोकेस्टिक RSI प्राइस एक्शन के साथ लॉस एंड प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन होता है तो इसके साथ आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड का लेवल मिल जाता है। तो आपको एक पोजीशन लेने के लिए तो आपको जो प्राइस है ये ओवरसोल्ड में है या ओवरबॉट पर है तो आपको पता लग जाता है। तो ट्रेंड के साथ आप लेंगे तो आपको क्या होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम के साथ आप देखेंगे, पहले मैंने जो बताया कि आपको लेवल फाइंड आउट करना चाहिए, लेवल फाइंड आउट करने के बाद आपको बोलिंजर बैंड व्यू ऑफ लाइंस एंड स्टोकेस्टिक RSI मनी फ्लो लगाएंगे तभी आपको क्या होगा ना, ट्रेंड के साथ आपको काम करने के लिए मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना।